ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के राजगढ़ रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते उसमें टला, जब एक ऑटो स्कूल के बच्चों को ऑटो में बिठाकर राजगढ़ रोड पर तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। अचानक ऑटो चालक ऑटो पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पलट गया। गनीमत ये रही कि ऑटो में बैठे सभी विद्यार्थी सुरक्षित हैं। सिर्फ एक विद्यार्थी को हल्की चोटें आई हैं, जिसका सोलन अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोलन के राजगढ़ रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते उस समय टल गया जब एक ऑटो स्कूल के बच्चों को ऑटो में बिठाकर राजगढ़ रोड पर तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था कि अचानक ऑटो चालक ऑटो पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वो पलट गया। गनीमत ये रही कि ऑटो में बैठी सभी विद्यार्थी सुरक्षित हैं। एक विद्यार्थी को हल्की चोटें जरूर आई हैं, जिसका उपचार सोलन अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जैसे ही ऑटो पलटा, आसपास के दुकानदार तुरंत मौके पर पहुंच गए और ऑटो को सीधा कर बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गए। स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल वैन और ऑटो में विद्यार्थियों को ठूस ठूस कर भरा जाता है, ये ओवरलोडिंग अक्सर हादसे का कारण बनती है। आज भी एक तेज रफ्तार ऑटो बच्चों को भरकर राजगढ़ रोड पर जा रहा था कि अचानक ऑटो के आगे जा रही कार ने ब्रेक लगा दी और ऑटो चालक घबरा कर ऑटो पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ऑटो बीच सड़क में पलट गया। एक विद्यार्थी ने ऑटो से कूद कर जान बचाई और बाकी बच्चों को ऑटो सीधा करके निकाला गया। बताया जा रहा है कि एक बच्चे को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वे ओवरलोडिंग को शहर में तुरंत बंद करें ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हों। जो ऑटो था वो बहुत ही तेज स्पीड पे चला हुआ था और ऑटो में जो है आजकल आपने देखा होगा ऑटो है, स्कूल वैन है, इनमें जो है बच्चों को ठूस ठूस कर भरा होता है, इनमें ओवरलोडिंग होती है, जिस वजह से जो है ये इस तरह के हादसे हो रहे हैं। पीछे अभी शिमला में भी इस तरह का हादसा हुआ है और इसी तरह का हादसा आज जो है ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जिसमें एक बच्चे को चोट आई है। ऑटो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे होने के कारण जो है अचानक गाड़ी आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारी और ऑटो उसमें जाके बजा और ऑटो जो है वो पलट गया, जिससे उस बच्चे को चोट लगी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जिला प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जिस तरह से इन ऑटो वालों के ऊपर और जो वैन वाले हैं जो बच्चों को जो है ओवरलोडिंग कर रहे हैं इस तरह से, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अब ये नहीं मालूम कि आगे उसने ब्रेक लगाई है देख के गाड़ी या कि स्पीड तेज थी, तो वो कुछ लोगों ने एक बहुत जोर से आवाज़ आई है, एक बच्चे ने तो ऊपर से छलांग लगा दिया, जैसे ही ऑटो पलटा उसने छलांग लगा दिया, बाकी बच्चों को खींच के निकाला, सिर्फ एक बच्चे के हाथ में चोट आई है। एक ऑटो बड़ी जोर से यहाँ पलटा, मैं जैसे दुकान के बाहर निकला तो मैंने देखा भी उसके अंदर बच्चे भी थे और हालांकि उनको एक आधे को मामूली चोट आई है, मगर ऐसा लग रहा था भाई ऑटो शायद बहुत फास्ट चल रहा था जिससे वो आगे खड़ी गाड़ी से टकरा गया और पलट गया।